गोखरू से हवन कराया, गोखरू से। अब देखिए एक बहुत साधारण सी बात आपको बता रहे हैं, गोखरू से हमने हवन करवाया, गोखरू को पिलाते भी है। मैं कहता हूं गोखरू गोधन अर्क और लौकी ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट हैं, इनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और हमने गोखरू से ही हवन कराया, और फिर जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा गूगल डाल दो, ऐसे ऐसे गूगल डाला, दिव्येष्टि, ये बहुत ही सुगंधित होता है, थोड़ा सा इसको डाल दिया। और गोखरू से हवन कराया, गोखरू का ही पानी दिन भर पिलाया, और ये मंडूकासन कर लो, ऐसे ऐसे, चाहे योग मुद्रासन कर लो, बात एक ही है, फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये कर लो। हमने लीवर फेल होने से, किडनी फेल होने से, आंतों की समस्या, पाचन तंत्र की कितनी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइस, फिसर, फिस्टुला, भूख बहुत ज़्यादा लगना, भस्मक रोग होना, बहुत भूख कम लगना, फिर ये अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सारी जो डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन की कमी के लिए हमने डेली एक्टिव बनाया हुआ है, डेली एक्टिव 41 पोषक तत्व है। ओमेगा जो पहले मछली से और सब केमिकल एनिमल सिंथेटिक तैयार करते थे, उसके जमाने सीबकथोन और फ्लैक्सीड से बनाया हुआ है, सोर्स हमने पवित्र लिए हुए आपको हम ये ने इसलिए उपलब्ध कराया, केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक जितने भी ये सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। कोलेजन प्राश हमने क्यों दिया 20 तत्वों से, गाजर का एक्सट्रैक्ट, तिल का एक्सट्रैक्ट, बेरीज का एक्सट्रैक्ट, अष्टवर्ग का एक्सट्रैक्ट, जिंसंग का एक्सट्रैक्ट, लोग खा रहे थे सुअर और मछली का, ये मानवीय प्रकृति के विरुद्ध हैं, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट हैं। अब तो वेजिटेरियन से आगे वेगन की बात हो रही है, और हम कहाँ उलझे पड़े हैं,